हाय गाइड्स, गुड मॉर्निंग। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। देखें, पिछले वाले वीडियो में हमने पतले लेंसों के संयोजन के बारे में अध्ययन किया था। अब आज का जो हमारा टॉपिक है ये आता है प्रिज्म। देखिए, प्रश्न ये उठता है कि प्रिज्म क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये दो कांच के प्रश्न हैं। यदि हम इन कांच के दो प्रश्नों को किसी कोण के ऊपर इस प्रकार से लगा दें और इसके बीच कोई भी समांगी एवं पारदर्शी माध्यम भर दें, तो इसे ही क्या कहा जाएगा? प्रिज्म कहा जाएगा। तो प्रिज्म कहेंगे किसी कोण पर झुके हुए दो समतल अपवर्तक सतहों से घिरा हुआ समांगी एवं पारदर्शी माध्यम क्या कहलाएगा? प्रिज्म कहलाएगा। प्रिज्म जो होता है, प्रिज्म में दो सतह त्रिभुजाकार और तीन सतह आयताकार होती हैं और एक प्रिज्म में प्रकाश की किरण का दो बार अपवर्तन होता है। अब देखिए, प्रिज्म की एक ऐसी क्वालिटी होती है, प्रिज्म जो है ये वर्ण विक्षेपण को भी प्रदर्शित करता है और प्रिज्म से अपवर्तन या विचलन की घटना भी घटित होती है। तो देखिए, मैं यहां पर इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। तो देखिए विद्यार्थियों, प्रिज्म की परिभाषा मैंने यहाँ पे लिख दी है, किसी कोण पर झुके हुए दो समतल अपवर्तक सतहों से घिरा हुआ समांगी एवं पारदर्शी माध्यम क्या कहलाएगा? प्रिज्म कहलाएगा। देखिए, प्रिज्म में दो सतह त्रिभुजाकार होती हैं, तो ध्यान देना मित्रों, एक सतह तो प्रिज्म की ये हो गई जो कि त्रिभुजाकार है और दूसरी सतह ये हो गई, ये भी त्रिभुजाकार है, और बाकी जो तीन सतह होती है वो आयताकार होती है। देखिए मित्रों, एक सतह तो आपकी ये हो गई जो कि आयताकार है, दूसरी सतह आपकी ये हो गई, ये भी आयताकार है, और तीसरी जो सतह है ये हो गई, ये भी आयताकार है। और एक प्रिज्म में प्रकाश की किरण का दो बार अपवर्तन होता है। अब देखिए, जैसे ही कोई प्रकाश की किरण प्रिज्म के ऊपर आपतित होती है या प्रिज्म में से गुजरती है, तो उसका वर्ण विक्षेपण भी होता है और विचलन भी होता है। तो सबसे पहले हम विचलन के बारे में अध्ययन करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे। अब देखिए विद्यार्थियों, अगला जो टॉपिक आता है ये आता है प्रिज्म से अपवर्तन, रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि प्रिज्म के द्वारा विचलन। अब देखिए, प्रश्न ये उठता है कि ये टॉपिक एग्जाम में किस प्रकार से किया जाएगा। तो देखिए, क्वेश्चन बनता है कि प्रिज्म से अपवर्तन का नामांकित चित्र बनाकर सिद्ध कीजिए कि पहला पार्ट ये देगा आपको म्यू इजल टू साइन डेल एन प्लस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू, और दूसरा पार्ट ये देगा डेल एन इजल टू ए इंटू में म्यू माइनस वन। या फिर हो सकता है वो सीधे ये करे क्वेश्चन कि प्रिज्म से अपवर्तन का नामांकित चित्र बनाकर प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए मित्रों, जैसे ये हमारे पास कोई प्रिज्म है, आप देखिए प्रिज्म से अपवर्तन का नामांकित चित्र किस प्रकार से बनाया जाता है। तो मान लिया ये कोई प्रिज्म है एबीसी, जब कोई प्रकाश की किरण पी क्यू इस प्रिज्म के एबी पृष्ठ के ऊपर आपतित होती है, तो देखिए यहां का माध्यम तो है विरल और अंदर का माध्यम है सघन। विरल के रूप में हम यहां पे मानते हैं वायु, और वायु का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है वो होता है 1.0029, इसको हम लगभग एक मान सकते हैं। और अंदर का जो माध्यम है इसका अपवर्तनांक हम मान लेते हैं म्यू, क्योंकि इसका अपवर्तनांक हमें ज्ञात नहीं है। अब देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से चलकर सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, उसके वेग में परिवर्तन हो जाता है। अब वेग में जो परिवर्तन होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वो करेगा इसके अपवर्तनांक के ऊपर डिपेंड, और इस अपवर्तनांक का मान ही हमें ज्ञात करना है। तो देखिए मित्रों, यहां का माध्यम विरल है, यहां का माध्यम सघन है, ये है दोनों माध्यमों को पृथक पृथक करने वाला प्रश्न। तो देखें, इस बिंदु के ऊपर ये होगा आपका अभिलंब। अब देखिए मित्रों, यदि यहाँ पे प्रिज्म नहीं होता तो ये प्रकाश की किरण बिना विचलन के सीधे निकल जाती, लेकिन यहाँ पर प्रिज्म है तो जैसे ही प्रकाश की किरण रैरा कंडेंसर में एंटर होगी तो इसका जो वेलोसिटी है वो घटेगा, और जब वेलोसिटी इसका डिक्रीज होगा
तो ये जो लाइट रेज है ये इस नॉर्मल की ओर मुड़ेगी, अभिलंब की ओर मुड़ेगी, कहने का ये हो गया यह क्यूआर दिशा में अपवर्तित हो जाती है। अब देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक प्रिज्म में प्रकाश की किरण का 2 times रिफ्रैक्शन होता है, 2 times अपवर्तन होता है। अब जैसे ही प्रकाश की किरण एसी पृष्ठ के ऊपर इंसिडेंट होती है तो देखो यहाँ का सघन माध्यम है और यहाँ का विरल है और ये होगा आपका अभिलंब। तो देखिए अब इसी स्थिति में क्या होगा, इसी स्थिति में इसका जो वेग है वो इंक्रीज होगा, वेलोसिटी बढ़ेगा और जब वेग बढ़ेगा तो यह अभिलंब से दूर हटेगी। तो एक बार देखिए इसका चित्र वर्णन फिर से समझिएगा। चित्र में दर्शाए अनुसार जब कोई प्रकाश की किरण PQ प्रिज्म एबीसी के AB पृष्ठ के ऊपर आपतित होती है तो यह QR दिशा में अपवर्तित हो जाती है, जिसका AC तल से पुनः अपवर्तन होता है एवं यह RS दिशा में निर्गत हो जाती है। अब देखिए प्रकाश की किरण पहले की अपेक्षा कितने कोण के ऊपर विचलित हुई, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम इस निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ा देते हैं। अब देखिए इन दोनों किरणों के बीच जो कोण बनता है उसे कहा जाता है विचलन कोण या डेविएशन एंगल, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल से। अब इनका नामकरण कर देते हैं, इसे लेते हैं एन और इसे लेते हैं एन डैश। अब देखो अभिलंब, अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनेगा उसे कहा जाएगा आपतन कोण आई, निर्गत किरण और अभिलंब के जो बीच कोण बनेगा उसे कहा जाएगा निर्गत कोण ई, और ये अपवर्तित किरण है और ये है अभिलंब, इनके बीच जो कोण बनेंगे इन्हें कहा जाएगा अपवर्तन कोण और इनको हम शो करेंगे R1 व R2 से। तो देखिए अब मैं यहाँ पे इस चित्र का वर्णन कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए विद्यार्थियों चित्र में दर्शाए अनुसार जब कोई प्रकाश की किरण PQ प्रिज्म ABC के AB तल पर आपतित होती है तो यह QR दिशा में अपवर्तित हो जाती है, क्योंकि प्रिज्म में प्रकाश की किरण का 2 times अपवर्तन होता है जिसका AC तल से पुनः अपवर्तन होता है एवं यह RS दिशा में निर्गत हो जाती है। अब देखिए यदि प्रिज्म नहीं होता तो ये PQ प्रकाश की किरण बिल्कुल सीधे स्ट्रेट जाती। अब यदि हम निर्गत प्रकाश की किरण को पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो इन दोनों की दिशाओं के बीच जो कोण बनेगा उसी कोण को कहा जाता है विचलन कोण या डेविएशन एंगल और इसको हम डेल से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए चित्र में दिखाए अनुसार आई आपतन कोण है, ई निर्गमन कोण है और R1 और R2 जो है वो अपवर्तन कोण है। तो देखिए यहां पे मैं नाम भी लिख देता हूं, इसे तो कहा जाएगा आपतित किरण और ये जो है आपकी ये है अपवर्तित किरण और विद्यार्थियों ये जो किरण है इसे कहा जाएगा निर्गत किरण। अब देखिए हमें मान किसका ज्ञात करना है, हमें मान ज्ञात करना है अपवर्तनांक का। तो देखिए स्नेल के नियम से चूंकि यहाँ पे अपवर्तन की घटना घटित हो रही है तो स्नेल के नियम से इस माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो ये होता है μ = sin I / sin R। अब देखिए मित्रों ना तो हमारे पास I का मान है और ना ही हमारे पास R का मान है, तो I और R का मान किस प्रकार से ज्ञात करें, तो I और R का मान ज्ञात करने के लिए हम इस चित्र में आकृति लेते हैं AQNR। तो देखिए चतुर्भुज AQNR में तो यहां लिखते हैं चतुर्भुज AQNR में। अब देखिए मित्रों AQNR में चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूं कोण ए प्लस कोण AQN। देखो AQN ही क्यों लिया, क्योंकि अगर हम कोण क्यों की बात करें तो क्यों तो बहुत सारे कोण हैं इसमें AQN AQR AQN AQP, लेकिन हम यहां पे जो बात करेंगे वो AQN की बात करेंगे इस पूरे कोण की। तो देखिए कोण AQN प्लस कोण N प्लस कोण NRA इज इक्वल टू होगा 360, क्योंकि कोण AQ जो N है कोण AQN जो है वो NRA के बराबर में होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये दोनों बराबर क्यों होते हैं, क्योंकि ये दोनों अभिलंब के ऊपर स्थित हैं अर्थात दोनों 90 degree के हैं।
देखिए मित्रों 90 प्लस 90 इक्वल टू 180 बाय साइड ट्रांसपोज 360 लेस 180 इक्वल टू 180 तो यहां पे क्या आएगा कोण ए प्लस कोण एन इक्वल टू हो गया 180। अब देखिए मित्रों यहां से हम चाहे तो कोण एन का मान कोण ए का मान ज्ञात कर सकते हैं चाहे तो एन का तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं या कोण ए इक्वल टू हो गया 180 माइनस कोण एन और इसे हम समीकरण एक दे देते हैं। अब देखिए फिर से चक्कर पड़ेगा ना तो हमारे पास एन का मान है तो हम क्या करते हैं अब की बार त्रिभुज लेते हैं क्यू एन आर त्रिभुज क्यू एन आर में या इन ट्राइंगल क्यू एन आर त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है तो आर वन प्लस एन प्लस आर टू तो मैं इसको लिख सकता हूं आर वन प्लस आर टू प्लस कोण एन इक्वल टू 180 या फिर आर वन प्लस आर टू इक्वल टू 180 माइनस कोण एन। अब देखिए मित्रों समीकरण एक से 180 माइनस एन का जो मान है वो एक ही इक्वल होता है तो मैं यहां पे सीधे लिख सकता हूं समीकरण एक व समीकरण दो से तो देखिए आर वन प्लस आर टू इक्वल टू कोण ए या फिर ए। अब देखिए यहां से हम आर का मान ज्ञात कर सकते हैं अब चक्कर पड़ेगा मित्रों आई का तो देखिए आई का मान हम किस प्रकार से ज्ञात करें तो देखो ये कोण जो है ये पूरा आई है तो इसके सामने का जो ये पूरा कोण है ये भी आई ही होगा क्योंकि ये इसका शीर्षाभिमुख कोण है अपोजिट वर्टिकल एंगल है लेकिन जब ये पूरा आई है और ये आर है तो ये जो कोण बचेगा शेष ये बचेगा मित्रों कंप्लीट आई में से आर वन घटा देंगे। अब देखिए ये जब ई है तो ये पूरा भी आपका ई ही होगा क्योंकि ये भी इसका शीर्षाभिमुख कोण है लेकिन ये आर टू है तो ये वाला जो शेष बचेगा वो क्या बचेगा ई माइनस आर टू। अब देखिए मित्रों अब हम त्रिभुज लेते हैं क्यू आर एन डैश देखो इस त्रिभुज में ये तो हो गई दो इंटरनल एंगल और ये हो गया आउटोरियल एंगल। हम ये जानते हैं कि किसी त्रिभुज में दो अंतर कोणों का जो योग होता है वो बहिष्य कोण के समान होता है तो यहां लिखते हैं अब त्रिभुज क्यू एन डैश आर में चूंकि किसी त्रिभुज के दो अंतर कोणों का योग बहिष्य कोण के समान होता है इसीलिए अब यहां देखिए जो बहिष्य कोण है क्यू एन डैश आर में ये है डेल तो मैं इसको लिख सकता हूं डेल इज इक्वल टू ये प्लस ये मीन्स आई माइनस आर वन प्लस ए माइनस आर टू और सरल करते हैं इसे माइनस का चिन्ह कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा आर वन प्लस आर टू। अब देखिए मित्रों समीकरण तीन से देखिए समीकरण तीन से आर वन प्लस आर टू का मान किसके इक्वल है एक एक तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं डेट इज इक्वल टू आई प्लस ए माइनस ए और इसे दे देते हैं समीकरण नंबर चार। अब यहाँ पे ध्यान देना समीकरण चार से क्या स्पष्ट होता है जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे ये तभी हमें ज्ञात होगा कि जब आई का मान बढ़ाते हैं जब आपतन कोण के मान में वृद्धि करते हैं तो विचलन कोण जो है वो कम होने लगता है घटने लगता है तथा आपतन कोण के एक निश्चित मान पर विचलन कोण का मान न्यूनतम हो जाता है जिसे ही क्या कहा जाएगा न्यूनतम विचलन कोण। अब यदि हम आपतन कोण का मान और अधिक बढ़ाएंगे तो विचलन कोण का मान घटेगा नहीं बल्कि बढ़ेगा और आगे तक बढ़ता ही जाएगा और जब आपतन कोण और विचलन कोण के बीच हम ग्राफ खींचते हैं तो ये आलेख निम्न प्रकार से प्राप्त होता है तो पहले मैं यहां पे लिख देता हूं ध्यान दीजिएगा अब देखिए मित्रों समीकरण चार से ये स्पष्ट होता है कि जब आपतन कोण का मान बढ़ाया जाता है या इसके मान में वृद्धि की जाती है तो विचलन कोण का मान घटने लग जाता है तथा आपतन कोण के एक निश्चित मान पर विचलन कोण का मान न्यूनतम हो जाता है जिसे ही क्या कहा जाता है आपका न्यूनतम विचलन कोण या मिनिमम डेविएशन एंगल।
अब देखें यदि हम इसके बाद में आपतन कोण का मान और अधिक बढ़ाएंगे तो अब अपचलन कोण का मान घटेगा नहीं बल्कि बढ़ने लगेगा और अब आगे तक बढ़ता ही जाएगा। तो देखें अतः आपतन कोण व विचलन कोण के बीच जब आलेख खींचा जाता है तो यह इस प्रकार से प्राप्त होता है। जैसे एक्स अक्ष के ऊपर तो ले लिया हमने आपतन कोण, एक्स अक्ष के ऊपर क्या लिया है आपतन कोण और वाई अक्ष के ऊपर लिया है हमने विचलन कोण। अब देखिए मित्रों यहाँ पे हमने पैमाने ले लिए 30, 35, 40, 45, 50 इस प्रकार से वाई अक्ष के ऊपर ले लिए। तो देखो ये तो दर्शाएगा इंसिडेंट आपतन कोण को और ये दर्शाएगा विचलन कोण को। जैसे मान लीजिए सबसे पहले हमने आपतन कोण का मान 30 डिग्री रखा है तो विचलन कोण का मान जो है वो लगभग हमें प्राप्त होता है 52 डिग्री। देखो ये मैं आपको एक एग्जांपल बतौर बता रहा हूँ, बाकी जब हम वास्तविक रूप में प्रैक्टिकल करेंगे एक्चुअल रूप में तो ये आलेख इस प्रकार से आएगा। जैसे 30 डिग्री के ऊपर आ गया ये लगभग 52 डिग्री, अब आपतन कोण का मान और अधिक बढ़ाएंगे 35 डिग्री करते हैं तो ये लगभग हमें प्राप्त होता है मित्रों 44 डिग्री के आसपास। अब यदि हम और अधिक वृद्धि करते हैं 40 डिग्री करते हैं तो ये आ गया आपका 36 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर जो है विचलन कोण का मान न्यूनतम आ गया, अब 45 डिग्री करेंगे तो 45 डिग्री करने के बाद में ये लगभग प्राप्त हो गया 42 डिग्री और यदि 50 डिग्री करेंगे तो अभी आगे तक बढ़ता ही जाएगा। जैसे 50 पे हम करते हैं तो ये लगभग आ गया 50 डिग्री। अब देखिए मित्रों जब हम इन बिंदुओं को आपस में मिलाते हैं तो ये जो आलेख है ये हमें इस प्रकार से प्राप्त होता है। तो अब हम क्या करते हैं इस आलेख को लगभग थोड़ा कर्व करते हैं इस प्रकार से। तो देखिए ये आलेख हमें प्राप्त होता है तो मैं इसको थोड़ा सा सही कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये यहां पर आ गया न्यूनतम विचलन कोण 36 डिग्री और यहां पे ये जो है ये आ गया 40 डिग्री। तो देखिए इस स्थिति में क्या होता है, मैंने आपको बता रखा है कि जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तब हमें पता लगेगा। इस स्थिति में मित्रों आई का मान तो ई के बराबर में हो जाता है और ये दोनों अपवर्तन कोण बराबर हो जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 ही होगा तो हम इसको क्या मान के चलते हैं आर। ये कब होगा जब डेल का मान किसके बराबर में होगा डेल एम के बराबर में होगा। तो देखिए कहने का अर्थ ये हो गया न्यूनतम विचलन की स्थिति में, देखो न्यूनतम विचलन की स्थिति में डेल इज इक्वल टू डेल एम होने पर आई का मान तो ई के बराबर में होगा और दोनों अपवर्तन कोण आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो देखिए मित्रों अब हम ये मान जो है वो समीकरण 4 और 3 में रखते हैं। तो पहले समीकरण 3 से देखिए, समीकरण 3 से देखिए R1 plus R2 जो कि R के बराबर है तो R plus R is equal to 2R, 2R is equal to A। तो कहने का अर्थ ये है 2R is equal to A हो गया तो R is equal to क्या हो जाएगा A by 2। अब देखिए मित्रों यहाँ पे हमें R का मान प्राप्त हो गया, अब हमें I का मान प्राप्त करना है। तो ये समीकरण 4 से देखिए, समीकरण 4 से देखिए डेल का मान हम किसके इक्वल रखते हैं डेल एम के, आई प्लस ई चूंकि ई का मान आई के बराबर में है तो आई प्लस आई टू आई माइनस ई तो ये हो जाएगा टू आई माइनस ई। मान हमें आई का प्राप्त करना है तो टू आई इक्वल टू डेल एम पक्षांतरित करेंगे प्लस ए तो यहां से आई का मान प्राप्त हो जाएगा डेल एम प्लस ए बाई टू। अब देखिए आई का मान भी प्राप्त हो गया और आर का मान भी प्राप्त हो गया तो अब हम आसानी से इस प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए परंतु स्नेल के नियम से, देखो स्नेल का नियम है म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन में साइन आर। तो देखिए मित्रों आई और आर के मान यहां पे रख देते हैं या म्यू इज इक्वल टू साइन ए का मान क्या रखेंगे ए का मान रखेंगे डेल एम प्लस ए बाई टू अपॉन साइन आर और आर का मान क्या रखेंगे ए बाई टू। तो ये प्राप्त हो गया समीकरण 5।
देखिए समीकरण पांच जो है वो प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का समीकरण है। समीकरण पांच प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का समीकरण है। देखिए मित्रों ये पहला ही पार्ट आया है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, जो प्रकाश की किरण जो अपवर्तित हुई है उसका मान इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब म्यू का मान किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो देखिए मित्रों म्यू का मान जो है वो डिपेंड करेगा प्रिज्म कोण के ऊपर और न्यूनतम विचलन कोण के ऊपर। अब प्रश्न ये उठता है कि न्यूनतम विचलन कोण कितना होगा, तो देखिए न्यूनतम विचलन कोण, अब इसकी दूसरी स्थिति आती है न्यूनतम विचलन कोण, तो देखिए इसके लिए प्रिज्म जो है हम छोटा अत्यंत छोटा मान के चलते हैं, और वैसे प्रिज्म होता भी छोटा ही है, ऐसा तो है नहीं कि भाई अपन प्रिज्म को चार पांच व्यक्ति मिला के उठाए एक साथ मिलके उठाएं, प्रिज्म अत्यंत छोटा है जिसको हम आसानी से पॉकेट में डाल सकते हैं। तो देखिए यहां लिखते हैं यदि प्रिज्म अत्यंत छोटा हो तो देखिए मित्रों लघु कोणों के लिए साइन थीटा लगभग किसके बराबर में होता है, थीटा के बराबर में होता है, तो यहां पे मान रखते हैं हम, तो देखिए क्या मान प्राप्त होगा, म्यू इज इक्वल टू साइन थीटा, इसको हम थीटा इक्वल रखेंगे डेल एम प्लस ए बाई टू अपॉन साइन थीटा, इसको भी थीटा इक्वल रखेंगे तो यह आएगा ए बाई टू, टू से टू कैंसिल, हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो मान प्राप्त होगा देखिए डेल एम प्लस ए इज इक्वल टू म्यू ए, अक्षांतरित करेंगे क्योंकि मान हमें डेल एम का प्राप्त करना है, तो म्यू ए माइनस ए, तो डेल एम बराबर में ए आ गया कॉमन, तो यहां पे क्या मान प्राप्त हो गया म्यू माइनस वन। ये जो समीकरण छह है ये न्यूनतम विचलन कोण का समीकरण है, समीकरण छह न्यूनतम विचलन कोण का समीकरण है। तो देखिए मित्रों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से, बोर्ड एग्जाम में आ भी चुका है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब देखिए विद्यार्थियों इस पर आधारित हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि किसी समबाहु प्रिज्म पर आपतित प्रकाश की किरण 30 डिग्री का न्यूनतम विचलन कोण प्रदर्शित करती है, तो निर्गत प्रकाश की किरण की चाल ज्ञात कीजिए, या निर्गत प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। देखो ये क्वेश्चन जो है ये उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखें क्वेश्चन या न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या हमें दिया गया है और किसका मान पूछा गया है। तो देखें मित्रों सबसे पहले लिखते हैं दिया गया है, तो देखिए प्रश्न में क्या दिया गया है, किसी समबाहु प्रिज्म मींस प्रिज्म जो कोण है इसका मान है 60 डिग्री पर आपतित प्रकाश की किरण 30 डिग्री का न्यूनतम विचलन कोण, तो देखिए डेल एम का जो मान है वो कितना है 30 डिग्री, तो निर्गत प्रकाश की किरण की चाल ज्ञात कीजिए। अब देखें ये हमें ज्ञात करना है, तो देखें इन सब को देखने से एक बात तो तय है कि ए डेल एम और वी इनका कोई सीधा रिलेशन नहीं होता है। अब देखो वी का रिलेशन किससे होता है, तो देखें मित्रों हमने ये अपवर्तनांक में पढ़ लिया है म्यू बराबर में होता है सी अपोन में वी, मींस वेलोसिटी लाइट वेलोसिटी इन वैक्यूम और लाइट वेलोसिटी इन मीडियम का जो रेशियो है वही क्या कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखिए इसका रिलेशन इससे तो होता है लेकिन इसका रिलेशन इसका मान किस प्रकार से ज्ञात करें, तो देखिए हमें म्यू का मान भी ज्ञात करना है, क्योंकि म्यू बराबर में अभी अभी हमने समीकरण पांच से ये देखा है कि म्यू इज इक्वल टू साइन डेल एम प्लस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू, तो देखिए मित्रों म्यू इज इक्वल टू साइन डेल एम का मान है 30 प्लस ए का मान है 60 बटा 2 अपॉन साइन
60/2 कीजिए सरल, तो देखिए 90/2 45 मीन्स साइन 45 अपॉन साइन 30। अब देखिए मान रखते हैं तो म्यू इज इक्वल टू साइन 45 वन अपॉन रूट टू, साइन 30 वन अपॉन टू, तो ये हो जाएगा 2/√2। कैंसिल करेंगे तो √2 प्राप्त होगा, और हम जानते हैं कि √2 का मान होता है 1.414। अब देखिए ये मान प्राप्त हो गया हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। अब यहां से हम आसानी से v का मान प्राप्त कर सकते हैं, तो यहां लिखते हैं अब v इक्वल टू होगा c/μ। तो v इक्वल टू, देखो c निर्वात में प्रकाश की जो चाल है वो होती है 2.99792458×10^8। तो मैं इसको लिख सकता हूं 3×10^8/μ, और म्यू का जो मान है वो है 1.414। भाग दीजिए तो भाग देंगे तो मान प्राप्त होगा 2.12, और यहाँ पे बी इक्वल टू होगा 2.12×10^8 मीटर प्रति सेकंड। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए विद्यार्थियों, और ध्यान दीजिए अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और साथ में यदि किसी भी विद्यार्थी के किसी भी गलत टॉपिकों में अगर कोई समस्या है तो वो मेरे चैनल के ऊपर जाकर के और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जैसे कल ही एक विद्यार्थी का फोन आया कि सर मेरे को इस टॉपिक में समस्या है, ये टॉपिक मेरे को बताओ, तो मैंने उसको ये समझाया कि जो भी आपकी समस्या हो वो समस्या कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि उस वीडियो को यहाँ पे सुचारू रूप से बताया जा सके। धन्यवाद।